ये बेटा टॉपिक है आपका फिफ्थ चैप्टर का। इस फिफ्थ चैप्टर में देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, सिलेबस बेटा बहुत ही डिक्रीज कर दिया गया है इसमें से, ठीक है। इसमें एक दो ही क्वेश्चन बनता है बस, अब तो मैं आपके सामने वही आपका एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन बनता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, बिल्कुल पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताना है आपको किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। इसका एक और नाम होता है बेटा, इसको बोलता है बोहर मैग्नेटन। क्लियर बात? बोहर मैग्नेटन के नाम से भी ये पूछा जाता है, या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के तरीके से भी इसको पूछा जाता है, ठीक है। अब बात आती है बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारे पास बेटा दो तरीके का होता है, ठीक है। दो तरीके का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है हमारे पास, एक तो बेटा ड्यू टू करंट, ठीक है, और एक होता है आपका ड्यू टू मैग्नेट। बस हमने तो मैग्नेट वाला तो हमारे लिए यूजेबल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लिया ये पोल है आपके, कोई मैग्नेट है सपोज आपके पास, ये नॉर्थ पोल हो गया और बेटा ये साउथ पोल हो गया। क्लियर बात? और इसका ये लेंथ जो है ये 12 है, ठीक है। मैग्नेट की लेंथ कितनी है आपकी? 12। तो जब आप मैग्नेट से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालते हो, मीन्स एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो वो होता है बेटा आपका जो पोलरिटी है किसी भी एक पोल की। जैसे वहां पे क्या होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में चार्ज, कोई सा भी एक चार्ज, और उन दोनों के बीच का सेपरेशन। बिल्कुल ऐसे ही होता है यहाँ पे कि पोलरिटी ऑफ मैग्नेट, इसको QM से डिनोट करते हैं, और मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का सेपरेशन यानी कि मैग्नेटिक लेंथ। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या देता है बेटा आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोवाइड करता है। एक तो ये होता है, लेकिन हमारे लिए ये फिलहाल जो है बेटा यूजेबल नहीं है। अगर ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हम पढ़ते तो बिल्कुल हम इस बात के बारे में बात करते, लेकिन ये सब कट हो गया इसमें से, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है M इक्वल्स टू I इंटू A, यानी कि करंट और एरिया का प्रोडक्ट भी, ये करंट के केस में, ठीक है, और वो मैग्नेट के केस में, यानी कि जब कोई चार्ज रिवॉल्व करे तो वो करंट देगा, और अगर वो करंट देगा तो डायपोल मोमेंट जो होता है इन केस ऑफ करंट वो कितना होता है बेटा I इंटू A, यानी कि तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, ये भी क्या होता है आपका, ये भी बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही होता है। बात क्लियर हुई होगी मेरे ख्याल में, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो मैग्नेट वाले की तो हमें अब जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ये करंट वाले की, ठीक है। तो M इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा आपका I इंटू A। अब आपको इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है ये डायपोल मूवमेंट, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन है और इस तरीके से ये रिवॉल्व कर रहा है, इसमें ये सर्किल है कोई जिसका रेडियस आर है, और इसकी वेलोसिटी जो है बेटा वो कितनी आपके इलेक्ट्रॉन की घूमते हुए, मान लिया वो वी है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले मैं एक टर्न के लिए बात करूं, यानी कि एक रिवोल्यूशन के लिए अगर मैं बात करता हूं, तो आप जानते हैं कि करंट हमारा किसके बराबर होता है बेटा आपका, करंट हमारा होता है क्यू अपॉन टी। क्लियर बेटा? लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज है वो कितना होगा ई, और एक चक्कर में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा बेटा, टाइम पीरियड। तो इसको मैं कह सकता हूं ई अपॉन टी इंटू एरिया, एरिया किसका बेटा, सर्किल का, तो कितना होगा आपका पाई आर स्क्वायर, इतना ही ये ट्रेवल करेगा इसमें। उसके बाद में अगर आप टाइम पीरियड की बात करो तो टाइम पीरियड आप जानती हैं बेटा कितना होता है, 2 पाई आर अपॉन वी होता है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट करता हूं तो आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बेटा ये आता है ई वी आर अपॉन 2। बात क्लियर है? यानी कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है यहीं पे। लेकिन इस प्रॉब्लम में भी बेटा एक प्रॉब्लम है, और वो क्या है कि अगर आप लोग किसी एक पर्टिकुलर, जैसे आपने देखा है कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकल के आया है ये किसके लिए आया बेटा, ये आया है एक रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है। यानी कि किसी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपका चक्कर लगा रहा है, तो जिसके लिए आपको वेलोसिटी पता हो, रेडियस पता हो, तो आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब ऑर्बिट तो इन्फिनिटी होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, तो या तो हर एक ऑर्बिट की हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए और रेडियस पता होनी चाहिए, जो कि बेटा पॉसिबल नहीं होगा। बात समझे? इतना तो याद हम नहीं कर पाएंगे कि हर एक की वेलोसिटी या रेडियस को हम याद कर लें। तो इसका जो सॉल्यूशन किया था वो किया था बेटा बोहर ने, ठीक है, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसीलिए इसका नाम दूसरा होता है बोहर मैग्नेटन। आई बात समझ में? तो बोहर ने इस चीज का समाधान किया था, और वो सॉल्यूशन क्या था कि बोहर जो मैग्नेटन है, यानी कि बोहर ने जो स्टेटमेंट प्रोवाइड की थी वो क्या, एक रिलेशन बताया था उन्होंने कि MVR, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, कि MVR किसके इक्वल होता है बेटा आपका, NH अपॉन 2 पाई के।
बात क्लियर है। एमवीआर का मतलब यानी कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है आई बात समझ में, वो बराबर होता है किसके बेटा आपका एनएच अपॉन टू पाई के, ठीक है। तो यहां से अगर मैं वीआर की वैल्यू निकाल लूं तो आप देखेंगे कि वो कितनी आएगी बेटा आपकी एनएच अपॉन टू पाई एम, और उसको यहां पे मैं रख दूं तो आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे एम इक्वल्स टू कितना मिला बेटा एन एच ई अपॉन फोर पाई एम हो जाता है, क्लियर बात। तो अब आप सोचेंगे कि सर फिर ये जो है आपका, ठीक है, ये किस तरीके से हमारे लिए अप्लीकेबल हुआ, तो आप देख सकते हैं बेटा इसमें एच कांस्टेंट होता है, इसको प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एच को बोलते हैं बेटा प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। एच होता है आपका प्लांक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है बेटा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, क्लियर बात, इसको ध्यान भी रखें आप लोग। तो प्लांक कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता होता है 4 पाई कांस्टेंट है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कांस्टेंट है। क्या बचा यहाँ पे वेरिएबिलिटी में? एन। तो एन आपको अगर मैं बताऊं तो एन क्या होता है बेटा, एन होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अब जैसे आपसे पूछा जाएगी भाई 20वें ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालिए, तो आप एन के प्लेस पर खाली क्या रख देंगे, क्योंकि ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है जब आप वैल्यू रखेंगे इनकी, तो जो एन है वो कितना हो जाएगा बेटा, वो 20 हो जाएगा। जब आप कहेंगे कि भाई 30 में बताइए तो एन को 30 रख दीजिए, जब आपसे पूछा जाए भाई 35 में बताइए तो एन को क्या रख दीजिए बेटा, 35 रख दीजिए। यानी कि अब याद करने वाला एक तरीके से जो प्रॉब्लम थी वी और आर की, वो हमारे सामने अब नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मेरे ख्याल में बात क्लियर हुई होगी बेटा, ओके।